आज हम आपके लिए 2020 का जो अभी परीक्षा हुई थी हाल ही में 10th क्लास की, उसके लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और उस मॉडल पेपर को आज हम इस वीडियो के अंदर शो करने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर, उस मॉडल पेपर को देखकर के सीखेंगे कुछ और उसके आधार पर अब तैयारी करेंगे। और यदि आप उस हमारे हिसाब से या हमारे आधार पर तैयारी करते हैं, क्लियर है, आपको इस बार अच्छे अंक मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिले या लाभप्रद लगे तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके हमारी अगली अपडेट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर 2020 चित्रकला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हमारे सामने पेपर का जो है फ्रंट पेज आएगा, और इस पे सबसे पहले अपने पेपर पर यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, और फिर जो है नाम, वहाँ पर अपना नाम डालना होगा। हमारे में जितने भी पृष्ठ होंगे उनकी यहाँ पर संख्या लिखी होगी, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पेपर का नंबर होगा यहाँ पर इस प्रकार से कुछ, फिर इसके बाद सन 2020, फिर जो है हमारी विषय चित्रकला, फिर इसके आगे जो है समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से 15 मिनट हमको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे जो है हम पेपर के लिए हमारे मिलते हैं। टोटल हमारा जो है पेपर 70 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर नीचे जो है कुछ सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो सामान्य निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जिसमें हमको पढ़ने के लिए समय मिलता है। मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर प्रश्न उत्तर पत्र के जो है ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। कहने का मतलब ये है, जितने भी आपको वहाँ पर ड्राइंग शीट्स दी जाएंगी, लगभग 2 दी जाती हैं, तो दोनों पर ऊपर साइड में कोने में जो है आपको अपना अनुक्रमांक डालना होगा, और अनुक्रमांक डालने के बाद नीचे जो है अपने जो है साइन होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो है जो कक्ष निरीक्षक हो, जो हमारी गाइडी कर रहा हो, उसके भी साइन होने अनिवार्य हैं। अगला है, प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है और इसमें से खंड का प्रश्न अनिवार्य है। खंड का जो है ये अनिवार्य होता है, आपको जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है। तो इसमें जब आप तो खंड का अनिवार्य है, खंड खा और खंड गा, खंड का ठीक है और गा दोनों में से ठीक है किसी एक खंड के ही प्रश्न हल करने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन प्रावेदिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना होता है, या तो हम प्राकृतिक दृश्य करें या फिर हम आलेखन करें। खंड खा से स्मृति चित्रण अथवा खंड गा से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना होता है। तो खंड खा होता है जो दूसरा वाला, उसमें स्मृति चित्रण होगा आपके सामने, और खंड खा से जो है भारतीय चित्रकला आएगी, उनमें में से भी आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर जो है फाइल अपने प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं।
और जो है हमारा जो पेज हमको मिलता है उस पे जो है हमारी सील लगी हुई होनी चाहिए और जो है कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। फिर आगे आते हैं हम सेकेंड पेज पे, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने पेपर आएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा दिया है और खंड का है, तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि खंड का से आपको क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अपनी ड्राइंग सीट पर 20x25, ये ध्यान रखना है आपको, जो हमारी माप दी होती है इस माप से ही जो है हम कोई भी चित्र बनाएंगे, अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आयत बनाइए, इतने सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। नंबर पहला है वृक्षों एवं झोपड़ी के साथ ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य, ठीक है। इसमें जो है वृक्ष और झोपड़ी और जो है ग्रामीण सूर्यास्त जो होता है उसका दृश्य हमको करना है, लेकिन उसमें मानव आकृति भी बनानी है। दूसरा है हमारा प्रातःकालीन दृश्य बनाना है, ग्रामीण दृश्य। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, रेखांकन सही होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर है सही एवं उपयुक्त संयोजन, दूसरा है सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, दा है जो है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। यदि आप अपने प्राकृतिक दृश्य में इन चारों चीजों को दिखा पाते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा की माप 16 सेंटीमीटर है, इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए गुलाब जो है एक जो है तुम्हें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक वर्ग की रचना करनी है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी एक भुजा 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए गुलाब अथवा कमल के पुष्प पत्तियों कलियों एवं तितली की सहायता से एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, इसके मध्य भाग में गुलाब का फूल होना चाहिए, ठीक है, और बाकी बाद में आसपास आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। आलेखन में किन्हीं तीन रंगों का प्रयोग करना है, ट्रेसिंग बनाया, यहाँ पर आपको ट्रेसिंग पेपर का पेपर प्रयोग नहीं करना है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, इसकी इकाई की मौलिकता होनी चाहिए, लयात्मक होना चाहिए, जो हमारी शाखाओं की जो मोड़ होना चाहिए वो कोई अच्छा लगे डिजाइन सा होना चाहिए, स्टाइलिस्ट। फिर अगला है रंगों का चयन एवं आकर्षक, रंगों का चयन जो है आकर्षक होना चाहिए, सामान्य प्रभाव होना चाहिए, ये भी आपका 15 नंबर का है, यदि आपने इसको सही से किया तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। इसमें इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है अथवा लिखा हुआ है। फिर आगे है निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 अगर इसको नहीं करना है आपको तब आप प्राविधिक कला में जाएंगे, लेकिन आपको प्राविधिक कला नहीं ध्यान देनी है तो इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, और यदि आप इसके इच्छुक हैं तो देख सकते हैं इसको, तो हम बता देते हैं। तो इसमें निर्देश जो दिया गया है, पहला है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, दूसरा है प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं, रफ कार्य स्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए तथा इसे अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर का वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए तथा उससे अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना होगा, ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए, ज्यामितीय विधि जो आपके स्कूल में बताई जाती है आपको उसके द्वारा बनाना है, इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए, और इसके द्वारा जितना बड़ा आप खींच सकते हैं उतना बड़ा अर्धवृत्त बनाने के लिए कह रहा है। इनमें ये दिक्कत होती है, अगर जरा भी हमारा क्वेश्चन डिसमिस होता है या इधर से उधर होता है तो हमें अंक नहीं मिलते हैं। बा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में एक आकर्षक ज्यामिति आलेखन को चापों और रेखाओं के संयोजन से चित्रित कीजिए जो फर्श के केंद्र के लिए उपयुक्त हो, इसको भी करना होता है। फिर
एक त्रिभुज का खा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र आ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बा बिंदु है। बिंदु बा से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर्स, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़े जा सकें। 3 सेंटीमीटर की दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। मापनी की निरूपक भिन्न आरएफ ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये हमारे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें से आपको 3 करने हैं। कितने करने हैं? 3। लेकिन यदि आप इधर के इन क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको इनको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला आता है हमारा खंड खा। कौन सा खंड खा आता है हमारा? तो खंड खा में हम जब देखेंगे तो इसमें देता है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए और यह चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। हमको इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम 15 सेंटीमीटर छोटा बनाते हैं तो हमारे अंक जो है कट जाते हैं। पहला है गेंद और हॉकी स्टिक। हॉकी जो बच्चे खेलते हैं और उसके साथ गेंद को भी बनाना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा कलम और कॉपी। कलम कॉपी बनानी है। तीसरा है छाता और बक्सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और चौथा है पतंग। कौन सा? पतंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक करना होगा। जो आपकी इच्छा हो, जो आपको लगे हम कर सकते हैं आसानी के साथ, उसको आप करिए। फिर अगला है हमारा बाखंड। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्र को पेंसिल से बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। ये भी ध्यान रखना है, चित्र हमारा 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। आम पत्तियों सहित बनाना है, लांटेन बनानी है, मूली पत्तियों सहित बनानी है, अनार पत्तियों सहित बनाना है। इन चारों में से जो आपको सही लगे उसका एक का चित्र आप बना दीजिए। तो ये दोनों आपको करने हैं क्योंकि ये अथवा में नहीं है। यदि आपको दोनों नहीं करने होते तो अथवा में होते, तो इसलिए इसमें से आपको दोनों करने हैं। दोनों में एक एक चित्र स्मृति चित्रण बनाना है। फिर आता है खंड गा। ये अथवा में है, या तो आप खंड खा करिए या तो खंड गा करिए। तो गा में है, तीसरा है राजपूत चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। ठीक है, चित्र सूत्रम का संक्षेप में उल्लेख करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर उसे क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में पाई जाती हैं? जो आपको लगे कि हाँ सही है। तो इस प्रकार से इधर क्वेश्चन दिए गए, तटस्थ रंग कौन से हैं, जो हों उस पर टिक करना है। निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएँ गहरी होती हैं? ठीक है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? पंचमढ़ी गुफाएं किस राज्य में हैं? और जो है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? इसमें कौन सा गर्म रंग है? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप इन दोनों में से को दो चित्र करते हैं तो आपको गाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए यही सबसे बेटर रहते हैं। आप उल्टा सीधा कैसा भी बनाइए, आपको 50% नंबर तो क्लियर मिलने हैं। और यदि आप ड्राइंग में जरा भी अच्छे हैं तो आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। और यदि आप अच्छे अंक लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट उसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और या हमारे वीडियोज लिस्ट में जाइए और जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, बोर्ड की परीक्षा में अब की बार आपके 90+ नंबर आएंगे, लेकिन तब जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए, और यदि आप इसको कर रहे हैं तो इसको नहीं करना है। ये हमारा पेपर आपके सामने जो है शो हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर करना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। धन्यवाद।